असर क्या हो सकता है। हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। दोस्तों, गूगल पर मौजूद जानकारी के अनुसार भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। ये तारीख याद रखिएगा, कब हुआ था, 1875 में। लेकिन अगर मोदी जी की बात माने तो 1857 से पहले अंग्रेजों के नाक में उन्होंने दम कर दिया था। जी हाँ, 1857 से 2024 तक लगभग 167 साल होते हैं, फिर भी मोदी जी 150वीं जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, और वो भी लाल किले से। सर क्या हो सकता है, हमें पता है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के नाक को दम करने वाला हमारा देश का एक आदिवासी युवक था। 20-22 साल की उम्र में उसने अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया था, जिसको आज भगवान बिरसा मुंडा के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। कि हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने, समाज के प्रति छोटा सा छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा मम भाव बने, हम समाज के हर भी व्यक्ति को, गरीबों को। तो अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जब मोदी जी का भाषण लिखा जाता है तब ये तारीख वगैरह चेक क्यों नहीं होती है, इतनी बड़ी गलती कैसे की जाती है, कैसे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी दरअसल कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है, बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन मोदी जी की ये पहली गलती नहीं है, वो कई बार कर चुके हैं और बड़ी बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। लेकिन सवाल फिर वही खड़े होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, क्या भाषण लिखा जाता है तब इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, फैक्ट चेक नहीं होता है, क्या तारीखों का ध्यान नहीं रखा जाता है, कौन कब जन्म लिया, कब उनकी डेथ हो गई, बहुत सारी बात है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई पत्रकार तो इस मुद्दे पर बात करो कम से कम कि इस तरह की मिस्टेक, मोदी जी लाल किले से इतनी बड़ी कहीं ना कहीं झूठ वाली बात कह रहे हैं कि उन्होंने 1857 से पहले भी अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द किए जाने की मांग उठाई है। जी, यानी कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो। इस याचिका पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना भी है। और कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पर घेरते रहते हैं, लेकिन अब वो राहुल गांधी की नागरिकता के पीछे पड़ गए हैं। और दरअसल लोग उनको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी की नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी फंस जाएंगे, क्या होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लेकिन खैर हम बाद में बात करेंगे उस पर। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और दोनों राज्यों में मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होगी, ये परिसीमन के बाद की सीटें हैं, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता और नेता जो पवन खेड़ा साहब है, उन्होंने कहा है कि कल ही प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, अब मुझे हैरानी हो रही है कि ये 4 राज्यों के इलेक्शन भी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 4 राज्यों के इलेक्शन एक साथ ही हो, एक साथ ही उनके तारीखों की घोषणा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पवन खेड़ा ने यह सवाल पूछा था कि क्या आज चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान करेगा, और वो बात कहीं ना कहीं सामने भी आ गई। लेकिन
वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात मोदी जी कह रहे थे उसका क्या हुआ, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को विनेश फोगाट के कुश्ती के फाइनल में पहुँचने पर गर्व है। जी हाँ, मोदी जी ने ये बात कही है। अब विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। दरअसल आगे उन्होंने कहा कि विनेश ऐसी पहली भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची है, ये भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व का विषय है। अब फिर इस पर कहीं ना कहीं मोदी जी को लोग घेर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, तब आपने कुछ नहीं बोला, ट्वीट तक नहीं किया, आखिरकार ऐसा क्यों? और जब वो जीत गई थी, सिल्वर जीत गई थी और उनका कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबला होना था, उसके पहले तक आपने ट्वीट नहीं किया कि चलो सिल्वर तो जीती हमारी बेटी, लेकिन जब वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका तुरंत ट्वीट आ गया। ऐसे लोग उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो स्वीडन की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला दर्ज किया है। स्वीडिश एजेंसी का कहना है कि संक्रमित व्यक्ति अफ्रीका में रहने के दौरान ही एमपॉक्स के चपेट में आया था। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल रही एमपॉक्स बीमारी के चलते सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का ऐलान किया है। जी हाँ, संगठन ने इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय भी बताया है। तो नई बीमारी जो फैल रही है वो एमपॉक्स फैल रही है और पाकिस्तान में भी इसका एक मामला सामने आया है, ऐसी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो क्या दरअसल ये एमपॉक्स धीरे धीरे सब जगह फैल जाएगी, क्या होगा और ये कितनी घातक है, इसके बारे में आप गूगल करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक और टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं। ध्रुव राठी ने विनेश फोगाट को लेकर एक वीडियो बनाया है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की है, यानी कि बिल्कुल बारीकी से तमाम उन बातों को अपने वीडियो में शामिल किया है, जो दरअसल हर कोई नहीं कर पाता, हर किसी ने किया भी नहीं, भले वो कितने बड़ा जानकार हो खेल का, लेकिन ध्रुव राठी ने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पूरी जानकारी दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देखिए। उसके बाद लोग ध्रुव राठी से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो बंगाल में बेटी के साथ हुआ है, कोलकाता में जो डॉक्टर बेटे के साथ हुआ है, उस पर कब मुँह खोलेगा, क्यों वीडियो नहीं बना रहा है, क्यों चुप है, बहुत सारी बात हो रही है। तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि भैया तुमने वोट किसको दिया, उनसे सवाल ना पूछते आप ध्रुव राठी से क्यों सवाल पूछ रहे हो। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे खूब हो रही है, लेकिन हाँ, जो हुआ है बेटे के साथ उस पर बात करने में भी डर लगता है। डर का मतलब ये कि मतलब रूह कांप जाती है, तो क्या ही बात करें, बड़ा डेंजर विषय है। और डेंजर क्या, मतलब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो मैं बिल्कुल कांप सा गया कि यार कितने हैवान लोग हैं इस धरती पर। यह था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सबसक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।